हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। क्रूड ऑयल आज का पिवट पॉइंट है 3718, फर्स्ट रेजिस्टेंस 3763, सेकंड रेजिस्टेंस 3843 एंड थर्ड रेजिस्टेंस 3888 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3638 एंड सेकंड सपोर्ट 3593 एंड थर्ड सपोर्ट 3513। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल, और ये क्रूड ऑयल मैंने एक लाइन डाला था, ये तीन लाइन डाला था। तो मैंने बताया था कि मार्केट इस रेंज में थोड़ा दिन रुकने वाला है। तो आप देख सकते हैं लास्ट फ्यू डेज मार्केट इस रेंज में ही है, जो रेंज मैंने डाला था आपको, जैसे 3638 और 3851। तो अगर ये स्मॉल टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 15 मिनट का लिया, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में चल रहा है, राइट। तो एक रेंज में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक रेंज बना के मार्केट घूम रहा है। तो मुझे लगता है आज भी मार्केट यही रेंज में जाने वाला रहने वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक हमें एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मिला था, सॉरी सपोर्टिंग लाइन। तो उस सपोर्टिंग लाइन से एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से मार्केट थोड़ा करेक्शन देने वाला है। अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3638 तक ही आना है, तो यहाँ से फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। अगर इसको ब्रेक कर दिया, जैसे ये लोअर पॉइंट को इसको ब्रेक कर दिया, तो हार्डली आप 3480 तक ही मार्केट आने का चांसेस है, राइट। तो आपको एंट्री करना है तो ये एक रेंज में ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि मार्केट मतलब एक लॉन्ग रैली या डाउन रैली होने के बाद एक रेंज में थोड़ा दिन के लिए रुकता है। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे। आप अगर डेली चार्ट में देखेंगे या 4 आवर चार्ट में, तो ये आफ्टर लॉन्ग रैली तो मार्केट ये एक साइडवे मार्केट में है, राइट। तो ये साइडवे मार्केट में थोड़ा ट्रेडिंग करने के लिए नया जो ट्रेडर होता है उसका थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि उन लोगों को ये जो रेंज होता है, रेंज फाइंड आउट करना नहीं आता। तो उसमें दिक्कत होता है, क्या होता है मार्केट एग्जैक्टली एक लॉन्ग रैली में डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड ऐसे आएगा, तो उसका बाद क्या होता है मार्केट एक साइडवे में आ जाता है, जैसे यहाँ पे साइडवे। तो जब साइडवे मिलेगा हम एक उसको एक रेंज निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब साइडवे हम एक रेंज ले लेंगे, तो नीचे में हम ऑलवेज बाय करेंगे और ऊपर में सेल करेंगे, राइट। तो मार्केट एक ऐसा रेंज में, तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही हो रहा है, एक रेंज में वो अभी रनिंग हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, कभी कभी जो लोअर पॉइंट को ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लोअर पॉइंट को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो अगर किसी ने यहाँ पे सेल शुरू किया तो मार्केट फिर से ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पे ये हायर पॉइंट को ब्रेकआउट किया, हायर पॉइंट को ब्रेकआउट किया, फिर से मार्केट नीचे आ गया। ये कब होता है, जब मार्केट एक रेंज में रहता है, क्या होता है यह मार्केट हायर पॉइंट को भी ब्रेकआउट कर देगा, ये हायर पॉइंट इसको ब्रेकआउट करेगा। तो अगर आदमी यहाँ पे बाय करेंगे तो मार्केट नीचे चला जाता है, क्योंकि एक रेंज में ये चलने रेंज में वो मार्केट थोड़ा दिन रुकने वाला है, तो इसलिए ये होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यह यहाँ पे ट्रेडिंग करने का मेथड यही होता है। तो आप पहले जैसे रेंज निकाल लीजिए, मैंने आपको रेंज निकाल के दिया है, हुआ है 3851 और 3631। तो एक ये रेंज है, नेक्स्ट रेंज ये है। तो रेंज अगर आप ट्रेडिंग करना है तो यही रेंज में आपको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि आप थोड़ा मैं हाँ। तो क्या होता है, ये एक रेंज में अभी देख रहे हैं, अभी चल रहा है, तो कभी इस रेंज को ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आ जाएगा, तो ये रेंज में चलना शुरू कर देगा, राइट। तो इसलिए आप अगर मार्केट नीचे में मिले तो अराउंड 368 में तो यहाँ से शुरू किए करना चाहिए, राइट। तो और टारगेट 385 नहीं तो ये आप और एक लाइन डाल सकते हैं, मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक गया है तो यहाँ पे टारगेट लगा सकता है, तो मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आने का चांसेस है, राइट। सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।